ब्रिज कोर्स, क्वेश्चन पेपर ऑन टेस्ट सेकंड, सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर क्लास टेंथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फाइव। फर्स्ट, ग्राफाइट इज यूज्ड टू मेक कार्बन इलेक्ट्रोड्स, एक्सप्लेन। आंसर, ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन बी, वाई आर कॉन्केव मिरर्स यूज्ड इन सोलर इक्विपमेंट्स। आंसर, कॉन्केव मिरर्स एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्ट इट टू अ सिंगल फोकल पॉइंट, सो दीज आर यूज्ड इन सोलर इक्विपमेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डेफिनेशन। वर्क, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स देन इट इज नोन एज वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पावर, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग नोन एज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, विच इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सो स्टूडेंट, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड CH4, दैट मीन्स मिथेन इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट दिस सिंबॉल डिनोट्स। द गिवन सिंबॉल डिनोट्स इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बल्ब कनेक्शन इन द फिगर। द गिवन फिगर शोज बल्ब कनेक्शन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 120 डिग्री, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ए माइनस वन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए 120 डिग्री। नाउ इक्वेशन बिकम्स 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 120 डिग्री माइनस वन इज इक्वल टू 360 बाई 120। आंसर इज 3 माइनस 1, सो एन इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म हेयर, 2 इमेजेस आर फॉर्म। देन क्वेश्चन नेक्स्ट, कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड इन विच टू फॉर्म्स। आंसर, कार्बन एलिमेंट इज अवेलेबल अबंडंटली इन नेचर एंड अकर्स इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। सो एग्जाम्पल, फ्री स्टेट डायमंड एंड ग्रेफाइट, वाइल इन कंपाउंड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग एनी फाइव फॉर 10 मार्क्स। सो गिवन फिगर, द सिंबॉल फॉर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर गिवन इन द चार्ट। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग देम एट प्रॉपर पोजिशन इन द डायग्राम। व्हिच रूल कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। सो स्टूडेंट, द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रिक सर्किट, इन द ब्लैंक स्पेसेस वी हैव टू फिल द प्रॉपर सिंबॉल। सो इलेक्ट्रिक सर्किट बिकम इन दिस वे। सो यू कैन पुट ऑल द सिंबॉल करेक्टली बाय सीइंग दिस फिगर। एंड नाउ द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन इज, विच लॉ इज प्रूव्ड बाय दिस डायग्राम। सो ओम्स लॉ इज प्रूव्ड इन द अबोव डायग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। सो गिवन डायग्राम इज हेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड, राइट द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाइल द नेचर इज लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सीन इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, स्टेट द रीजन बिहाइंड दैट। आंसर इज, इफ वी ब्लोन इन लाइम वाटर द लाइम वाटर बिकम्स वाइट बिकॉज फ्रॉम ब्लोइंग एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, राइट द प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ द एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्विशर, property do not cause corrosion and non conductors of electricity. Uses, these type of fire extinguisher are used to extinguish small scale fire. Then question number 5,
distinguish between kinetic energy and potential energy. First, energy possessed by body due to its state of motion known as kinetic energy, while energy possessed by body due to its position known as potential energy. Formula for kinetic energy is half half mv square, while potential energy is equal to mgh. Kinetic energy depends on the speed of the body, while potential energy does not depend on the speed of the body. Then next, conductors and insulators. Those substances which have very low resistance are known as conductors, and those substances which have very high resistance are known as insulators. Current can easily flow through these substances in conductors, while insulators, current cannot easily flow through these substances. Then question number 6. What will happen if an electric current is flown in the circuit in the figure? Which material is present in the pencil? Which property of the material is found in this experiment? So answer, if current passes through the circuit, bulb glows. Pencil contains graphite, which is allotrope of carbon. Graphite is a good conductor of electricity, and so current passes through the circuit and bulb will glow. 7. Write the rules for drawing a ray diagram by observing the given figure. So rules for drawing ray diagram are given here. We have to write down the rules, first, second and third. So answer is, rule first, if an incident ray passes parallel to the principal axis, then reflected ray passes through the principal focus. Second rule, if an incident ray passes through the principal focus, then reflected ray passes parallel to the principal axis. Third rule, if an incident ray passes through the center of curvature of the mirror, then the reflected ray comes back in the same path. Question number 8. Resistors having resistances of 1 ohm, 15 ohm, 20 ohm, 10 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance in the circuit? So, solution for this question is given R1 15 ohm, R2 20 ohm, R3 10 ohm. We have to find out Rp, that means effective resistance of parallel combination. So we have formula 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So putting the values 1 by 15 plus 1 by 20 plus 1 by 10, we get here 15, 20 and 10. LCM is 60. So 4, 3 plus 3 and plus 6. 1 by Rp is equal to 13 divided by 60. Then Rp is equal to 60 divided by 13. Divide 60 by 13. We get 4.615 ohm. So effective resistance in the circuit is 4.615 ohm.